वेलकम टू सुमैया इंग्लिश प्राइमरी स्कूल, स्टैंडर्ड फर्स्ट, सब्जेक्ट ईवीएस। इन ईवीएस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड यूनिट लेसन नंबर 3, आवर ड्यूटी टूवर्ड्स द फैमिली एंड टेक्स्ट बुक पेज नंबर 40-41। ओके, सो वी विल स्टार्टिंग आवर चैप्टर नंबर 3, आवर ड्यूटी टूवर्ड्स द फैमिली। ये हमारा चैप्टर का नेम है। 3, our duty towards the family. What do you mean by duty? Duty means what? Duty means a responsibility. Okay? Towards yani किसकी और? Family की और। हमारी क्या क्या responsibilities होती हैं, क्या क्या कर्तव्य होता है हमारी family के और। Okay? सो हेयर हम क्या पढ़ेंगे आज? हमारी ड्यूटी पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट पैरा इज अवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स लुक आफ्टर अस, केयर फॉर अस एंड कीप अस हैप्पी। यू नो जब हम छोटे होते हैं तब हमारा ज़्यादा ख्याल कौन रखता है? हमारे पेरेंट्स। पेरेंट्स मीन्स मम्मी एंड डैडी एंड ग्रैंड पेरेंट्स टू। ग्रैंड पेरेंट्स मीन्स दादा दादी। ओके, वो हमारा ख्याल रखते हैं और हमें खुश रखते हैं। हाउ शुड वी बिहेव इन रिटर्न? हमें कैसा बिहेव करना चाहिए उनके रिटर्न में? वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द फैमिली मेम्बर्स एंड लिसन टू देम। हमें हमारे फैमिली मेम्बर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। रिस्पेक्ट मीन्स व्हाट? इज्जत। ओके, और उनकी सुननी चाहिए। किनकी सुननी चाहिए? हमारे बड़ों की, यानी हमारे मॉम डैड एंड हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की। वो जो बातें हमें बताते हैं, वो जो हमें बातें सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें, उन बातों को हमें सुनना चाहिए। वी शुड मेक देम हैप्पी By being good, हमें अच्छा रहकर उन्हें खुश रखना है। किन्हें? हमारे पेरेंट्स को और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को। ओके, देन वी शुड हेल्प मम्मी इन क्लीनिंग एंड डस्टिंग द हाउस। हमें क्या करना चाहिए? मम्मी की हेल्प करना चाहिए। किस में हेल्प करना चाहिए? क्लीनिंग में। क्लीनिंग मीन्स वॉट? साफ सफाई। ओके, साफ सफाई में हमें मदद करनी चाहिए मम्मी की घर में। ओके, किसकी साफ सफाई? घर की साफ सफाई। देन यहाँ पे देखो पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चर। वी शुड हेल्प अवर पेरेंट्स टू फेच द नेसेसरी थिंग्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, सो हमें हमारे पेरेंट्स की हेल्प करना चाहिए। क्या हेल्प? जो ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं घर में, राइट, जो मार्केट से लाना होता है, कुछ भी, ग्रोसरीज एक्सेट्रा, वेजिटेबल्स, मिल्क, जो हम डेली खाते हैं। सो वो सब क्या होती है? ज़रूरत की चीज़ें होती है जो घर के लिए लगती है, है ना। सो हमें वो सब चीज़ें मार्केट से लानी चाहिए, है ना। आप भी कुछ ना कुछ अपने मॉम के लिए लाते होंगे, राइट। देन ये क्या है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है। We should do our homework every day and study ourselves. हमें हमारा homework जो हमें school से मिलता है वो रोज़ करना चाहिए। okay? And study ourselves और खुद से पढ़ना चाहिए। okay? We should take help only when it is needed. जब हमें help करना चाहिए, जब ज़रूरत हो। okay? जैसे हमारे पेरेंट्स कुछ बोलेंगे तो तभी हमें उनकी हेल्प करना चाहिए। ओके, ये भी क्या है? हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी एक ड्यूटी है।
देन वी शुड नॉट प्ले मिस्चीफ और फाइट विथ ईच अदर. हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना चाहिए, फाइट नहीं करना चाहिए, है ना. फाइट एंड आर्ग्यूस, ओके. मिस्चीफ यानी नुकसान, हमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, ओके. एक दूसरे के साथ हमें अच्छे से रहना है, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे ब्रदर सिस्टर, ओके. देन द एल्डर सिस्टर और ब्रदर शुड टेक केयर ऑफ द यंगर वंस. हमारे जो बड़े भाई बहन होते हैं, एल्डर यानी बड़े, ओके. एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए. किसका? एक दूसरे का यानी छोटे भाई बहनों का, ओके. देन नेक्स्ट इज ऑल द फैमिली मेंबर शुड टेक एटलीस्ट वन मील टुगेदर एवरी डे. हम सारे फैमिली मेंबर्स को दिन में एक बार एटलीस्ट एक साथ बैठकर खाना खाना चाहिए, ओके. ये भी क्या है, एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. देन यू शुड नॉट गो एनीवेयर विदाउट द परमिशन और नॉलेज ऑफ द एल्डर्स. हमें कहीं और नहीं जाना चाहिए, किसी और जगह नहीं जाना चाहिए बिना अपनी मॉम डैड के परमिशन के, ओके. बिना बड़ों के परमिशन के बिना हमें कहीं नहीं जाना चाहिए, ओके. डू नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग दैट स्ट्रेंजर्स गिव यू. और जब कोई अजनबी आपको कोई चीज़ दे, यानी घर के जो बाहर वाला इंसान जिसको आप नहीं जानते, अगर वो आपको बुलाए या फिर वो आपको कोई चीज़ देकर कुछ कहे, तो आपको वो चीज़ नहीं लेनी है, ओके. डू नॉट टेल लाइज. हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. डोंट बी स्टबॉर्न और ग्रीडी. हमें ज़िद्दी नहीं होना चाहिए. स्टबॉर्न मीन्स वॉट? ज़िद्दी, ओके. एंड ग्रीडी मीन्स लालची, ओके. हमें कभी लालची नहीं होना चाहिए. वी शुड लुक आफ्टर अवर फैमिली मेम्बर्स वेन दे फॉल सिक. वी शुड अटेंड टू देयर एवरी नीड. हमें क्या करना चाहिए? हमारे फैमिली मेम्बर्स के ख्याल रखने चाहिए जब वो बीमार पड़ जाए, ओके. कभी आपके घर में ऐसा होता है ना कि घर में कभी मम्मी बीमार पड़ जाती है तो आप कभी पानी ला के देते हो, ख्याल रखते हो मम्मी का, है ना. सो, हमें भी उस तरह देखना चाहिए हमारे पेरेंट्स को, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स को, जब वो बीमार पड़ जाए. वी शुड अटेंड टू देयर एवरी नीड. हमें उनकी हर ज़रूरत को पूरी करनी चाहिए, ओके. सो यही सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, ओके. देन वी शुड डू सच जॉब्स दैट मेक देम हैप्पी. हमें वो काम करना चाहिए जो जिससे हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं, ओके. क्या जॉब्स करना चाहिए? जैसे पानी ला कर देना, उनकी हर बात को सुनना, ओके. उनकी रिस्पेक्ट करना, ये सब क्या है? अच्छी जॉब्स है, ओके. जिससे हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं. वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स. हमें हमारे बड़ों को इज्जत देना चाहिए और प्यार से उनके साथ रहना चाहिए, ओके. सो हमारा चैप्टर यहीं पे एंड होता है. अवर ड्यूटी टूवर्ड्स द फैमिली. हमारे फैमिली के लिए हमारी क्या क्या ड्यूटीज़ है, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो आज हमने इस लेसन में देखा. हियर देखो, यहाँ पे लास्ट लाइन, रिमेंबर मीन्स वॉट? याद रखना. ऑलवेज लव रिस्पेक्ट ओबे एंड हेल्प ऑल द फैमिली मेम्बर्स. हमें हमेशा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कैसे रहना चाहिए? प्यार से रहना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए बड़ों की, और हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए हमारे फैमिली मेम्बर्स की, ओके. सो
ये जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये अच्छे मैनर्स होते हैं आपके अंदर। सो आपको एक बार ये लेसन को अच्छे से रीड करेंगे। ओके, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू।